हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JSR ट्रेवल एंड फन। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति। जा रहे हैं आदि योगी, तो कैम्बिटूर जा रहे हैं। कैम्बिटूर बस इस बस से जाएंगे, KSRTC बस से। तो हम लोग कितने इतने लोग जा रहे हैं और वहाँ पे जाके आप लोग अपडेट करते हैं। आप देख सकते हैं, दिस इज सांसिनर बस स्टॉपेज एंड वी आर बैंगलोर लोकेशन एंड और वी आर अबाउट टू लीव बाई बस बाई 9:30। प्रोबेबली विल बी रीचिंग बाई मॉर्निंग 6 o'clock। And we'll be also visiting Satya Guru Isha Foundation, followed by Adi Yoga. So hope we'll have a very great journey. Let's see how it works. Thank you. हम लोग बस स्टैंड पे आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं। बस स्टैंड में बैठेंगे और स्लो जाएंगे और डायरेक्ट आदि योगी उतरेंगे। और चक्के से देखते रहिए आप हमारी वीडियो को। आदि योगी जा रहे हैं कोयम्बटूर। हे गाइज, आप लोग देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं बस में बैठने के लिए और ये कोयम्बटूर के लिए निकलने वाली है बस। आप लोग देख सकते हो। हम लोग देख सकते हैं KSRTC बस स्टैंड हम लोग की बस बैठ चुके हैं। देखना KSRTC से कितना अच्छा है और 8 घंटे का जर्नी है यहाँ से कोयम्बटूर के लिए। तो हम लोग वहाँ पे मिलते हैं आप लोग को। अभी के लिए बस का सफर एंजॉय करते हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोग बस में बैठ चुके हैं और ये है सीट हमारी और यहाँ इसमें सो। हे गाइज, अब हम लोग कोयम्बटूर पहुँच चुके हैं। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं रूम बुकिंग के लिए। अपने रूम बुक करेंगे और उसके बाद हम लोग वहाँ रुकेंगे, फ्रेश होंगे और फ्रेश होने के बाद हम लोग जाएंगे आदि योगी दर्शन करने के लिए। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे न्यू वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। और फिर देख सकते हैं, तब तक से हम लोग रेडी होके जल्दी जल्दी निकलने लगे हैं क्योंकि सुबह सुबह निकलना सही रहता है। तो हम लोग निकल चुके हैं आदि योगी दर्शन करने के लिए फ्रेंड्स। तो देख सकते हो आप लोग। गाइज, अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं आदि योगी के लिए। तो फ्रेंड्स, कोयम्बटूर बस स्टैंड से आपको ग्रीन कलर की बस मिल जाएगी आदि योगी के लिए, जो डायरेक्ट आदि योगी पहुँचाती है। और फ्रेंड्स, इसका फेयर अप्रॉक्स 35 रुपीज़ से 40 रुपीज़ के अप्रॉक्स है। और फ्रेंड्स, ये 1 घंटा 10 मिनट तक लगभग पहुँचा देती है आदि योगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इससे ही आएँ जो कि बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं और आते ही हम लोगों ने सोचा कुछ नाश्ता कर लिया जाए। तो देख सकते हो आप लोग, हम लोग नाश्ते के लिए बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मेरे वीडियो को, एंजॉय कर सकते हो। हे गाइज, ये देख सकते हो आप लोग, ये मेनू लिखा हुआ है, होटल के मेनू है, जिससे कि यहाँ पे आप लोग देखो और जाओ, टिकट कटाओ और उसके बाद आपको खाने को मिलेगा। और फिर हम लोग यहाँ नाश्ते करके अब हम लोग निकल चुके हैं आदि योगी जी के लिए और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम लोग जाएँगे बैलगाड़ी के थ्रू, तो सोचे कि बहुत दिनों के बाद बैलगाड़ी मिली है तो भाई इससे भी इंजॉय कर लिया जाए। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, हम लोग बैलगाड़ी से जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, कितना व्यू, अभी से सोच लो कितनी व्यू अच्छी लग रही है वहाँ पे जाके, कितना मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप लोग।
फ्रेंड्स, कहा जाता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आदि योगी को दुनिया में सबसे विशाल बस्ट के रूप में मान्यता दी जाती है, जो कि 112 फीट ऊंची है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग, फ्रेंड्स आदि योगी प्रदक्षिणा ध्यान लिंग और आदि योगी की 2 किलोमीटर लंबी प्रदक्षिणा है। इसे सदगुरु द्वारा आदि योगी की कृपा के प्रति ग्रह से बनने के लिए बनाया गया था, जो चरम मुक्ति के प्रति व्यक्ति की लालसा को तीव्र बना सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं अंदर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और ये व्यू देख सकते हो आप लोग कितना खूबसूरत है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। और यहाँ हवाएं भी बहुत ही बह रही थी, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। देख सकते हो आप लोग, सब लोग कितने खुश हैं यहाँ आने के बाद, आप लोग देख सकते हो। और फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप साइड से आदि होगी जी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे फ्रेंड्स। हे फ्रेंड्स, आप लोग फ्रंट लुक देख सकते हो आदि योगी जी का, हर हर महादेव, जय श्री शंभू भोलेनाथ बाबा की जय। और फ्रेंड्स देख सकते हो, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स। अभी मैं जब वीडियो बना रही हूँ तो मुझे अभी भी बहुत अच्छा लग रहा था, देख सकते हो आप लोग मैं कितनी खुश थी। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं और मेरे हस्बैंड, मैं बहुत ही खुश थी फ्रेंड्स। और ये देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स, आदि योगी के आज के चेहरे को बनाने में 2.5 साल और दर्जनों डिजाइन लगे। सदगुरु जी के दिमाग में एक कल्पना थी कि आदि योगी के चेहरे को कैसे दिखाया जाना चाहिए, और सदगुरु जी उस कल्पना के साकार होने से जरा भी कम पर राजी नहीं थे। और क्या अद्भुत परिणाम सामने आया है, आप लोग भी देख सकते हो। हेलो, सो राइट नाउ वी आर एट ईशा फाउंडेशन एंड वी आर इन फ्रंट ऑफ द एग्जैक्टली फ्रंट ऑफ द यू नो आदि योगी, एंड यू कैन सी लाइक लॉट्स ऑफ क्राउड एंड सो मेनी पीपल आर कमिंग एंड वी आर फीलिंग हियर वेरी पॉजिटिव वाइब्स। ओके, एंड यू कैन सी द बिग टाइप एंड एवरी ईयर्स ड्यूरिंग द महाशिवरात्रि वी ऑलवेज सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, एंड दिस इज द प्लेस वेयर द ऑलवेज सदगुरु प्रमोट एंड ऑलवेज सदगुरु talk something about this statue. So we will want you to please come here. This is a very beautiful place, and once in a life you should come here and you should also see this place. So just come as well. Mahadev, Har Har Mahadev. फ्रेंड्स, आदि योगी जी के नीचे में एक योगेश्वर लिंग भट्ट है, जो कि योगेश्वर लिंग की ऊर्जा के प्रति ग्रहशील बनने के लिए भक्त लिंग पर जल और नीम की पत्तियों की भेंट चढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग ऊपर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। हे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, ये आप त्रिशूल को देख सकते हो फ्रेंड्स। ये आदि योगी के चारों ओर लगे 621 त्रिशूलों में से किसी एक पर काला कपड़ा बांधते हुए भक्त आदि योगी को वस्त्र भेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये देख सकते हो 621 त्रिशूल है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था फ्रेंड्स। और चारों तरफ सब अपने विशेष को कपड़ा बांध के नोट किए हुए थे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग, हम लोग उनके चारों तरफ घूम रहे हैं घूम के। Hey guys, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, देख सकते हैं आप लोग बहुत ही खुश हो फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और
ये देख सकते हैं हम लोग आदि योगी में हैं और बहुत ही यहाँ आने के बाद अच्छा लगा। और ये देख सकते हैं ये त्रिशूल है भगवान जी का, त्रिशूल से चारों तरफ राउंडिंग ही राउंडिंग लगाया गया है, देख सकते हैं हम लोग। हे गाइज, अब हम लोग वहाँ से आ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं ईशा फाउंडेशन। जैसा कि आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, हम लोग जाने से पहले एक जगह इकट्ठे हुए हैं कि पहले क्या करें। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जाएंगे, अभी कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर ईशा फाउंडेशन के लिए निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप लोग। फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से खा के और यहाँ से निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं ईशा फाउंडेशन के लिए। बट ईशा फाउंडेशन जाने से पहले हमें अपने जो छोटे छोटे लगेज और फुटवेयर वगैरह है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब को इकट्ठा करके सब जमा करेंगे और उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमें, आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद हम लोग मतलब कि यहाँ पे सब मोबाइल वोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान सब डिपोजिट करके अंदर गए। वहाँ पे अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउड नहीं है, तो हम लोग डिपोजिट कर गए वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे कि ध्यान लिंगम है, चंद्रकुंड है, सूर्य कुंड है, और वहाँ पे योगा सेंटर भी है, और जहाँ पे मतलब बहुत सारा चीज़ है वहाँ पे कर सकते हैं। तो वहाँ पे सूर्य कुंड में जाके नहा सकते हैं, वहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है नहाने के लिए, बाथ टॉवल भी अवेलेबल है। तो आप लोग वहाँ से लेके आप नहा के आप अच्छे से नहा के आप इसके बाद आप ध्यान लिंगम में जा सकते हैं। तो मतलब अच्छा रहा, इतना एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि मतलब आपका टाइम ऐसा है कि मतलब पता नहीं चलेगा कितना, मतलब 5-6 घंटा टाइम आपको आराम से चला जाएगा, आप पता नहीं चलेगा। इसलिए आप ज़रूर आएँ और इस चीज़ का आप एक्सपीरियंस लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। तो आप लोग बने रहें वीडियो के साथ। बाहर आ चुके हैं और अंदर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, हमें बहुत अच्छा लगा। 3 हर हर महादेव, अच्छा रहा। 3 अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे घूमने लायक है बहुत है, यहाँ पे नहाने वाला कुंड है और यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पे आपको लिंगा बाबा के यहाँ this is the gate and I want to tell something about Isha Foundation. You know, before going inside, first you have to give your all the valuable things that is near to the deposit counter. You can give your bag and all your important belonging to that side, and it's totally free and they will give some pass after that. You know, you have to get inside, and once you get inside there is a very very good view, a very positive view, and first you have to go to the Dhyan Lingam. In Dhyan Lingam we have a big Shiva Lingam where you have to give at least 50 minutes and you have to do meditation. You can do meditation more than 50 minutes behind also, and after followed by you can also go with a Moon Lingam, Muna Lingam. After that you can also go with a other meditation which is also free. There is a meditation session we can do, you can go there, you can do free also. And apart from that you can also get the prasadam, and there is also food is available, and many beverages available inside there. You can keep your slippers and everything, so it is a very good experience. You can come here, you can have a good experience, and that is very life-changing moment. I'm telling you, I'm having very good experience here, so please come here and visit here. That is one thing. Thank you. हे गाइस, सबने अपने अपने रिव्यू दिए ईशा फाउंडेशन के लिए, तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगा। फिर है यहाँ पे, और यहाँ पे 7:20 पे लाइटिंग शो चलेगा, जो कि हम उसे मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए अभी हम 7:20 का वेट कर रहे हैं ताकि लाइटिंग शो देखें और इसके बाद लाइटिंग शो का भी मजे लें। फ्रेंड्स, अब हम लोग आए हुए हैं इवनिंग टाइम में लाइव शो देखने के लिए, और देख सकते हो फ्रेंड्स ये इवनिंग टाइम है और भीड़ देखो यहाँ पे कितनी भीड़ उमड़ी हुई है, बहुत ही भीड़ थी फ्रेंड्स। और सोच लो शाम का यानी रात का शो देखने के लिए शाम में इतनी भीड़ लगी हुई है फ्रेंड्स। तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे और देख सकते हो फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स नाइट शो आपको मेरे इससे पहले वाले वीडियो में मिल जाएगी और मैंने अपलोड कर रखा है। अगर नाइट शो आपको देखना होगा तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो फ्रेंड्स। और ये देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही भीड़ है और हमें भी बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स लाइव शो देख के फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई फ्रेंड्स।